बड़ा नैरेटिव चलाया हुआ है 2014 से, जी जी, लव जिहाद, घर वापसी, लिब्रांडू, सिकुलर, ये टार्ड वो टार्ड, टुकड़े टुकड़े गैंग। उनको लगा था ये टुकड़े टुकड़े कर देंगे हमारे, लेकिन तीर उल्टा पड़ गया, हम तो जुड़ गए सारे। मैं तो हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि भाई आप सरकार हैं, आपको जनता ने बिठाया है, अगर जनता नाराज है, स्टूडेंट्स नाराज हैं, उनके सवालात हैं, तो बातचीत करिए, सीधा सीधा हल है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप आतंकवादियों से बातचीत कर लेते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान भी चले जाते हैं, पाकिस्तान से बातचीत कर लेते हैं, अपने ही देश के नागरिकों ने ऐसा क्या बिगाड़ा है कि आप उनसे बातचीत नहीं करते, सीधे गोली मारते, डंडे मारते। अगर हम गलत हैं, हमें कानून गलत समझ में आया है, जो कि है नहीं ऐसा। मैंने पूरा सिटीजनशिप एक्ट भी पढ़ा है, सारे अमेंडमेंट्स पढ़े हैं, आसाम की एनआरसी पर पूरी रिसर्च की है, बिल्कुल गलत नहीं समझ रहे लोग। लेकिन अगर हम गलत हैं तो ऐसे जो रैलियां हो रही हैं, सरकार के नुमाइंदे आ जाएं ना, आ जाएं, हमें समझा दें कि हम क्या गलत समझ रहे हैं। अगर वो सही है, मान जाएंगे, हम घरों को वापस चले जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलीवुड भी दो गुड में तब्दील हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि जो अमेंडमेंट है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के फायदे के लिए है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये एक गुनाह तो दे, फायदा फायदा कह सब रहे हैं, फायदा कोई गिना नहीं रहा। आपको सिर्फ आसाम एनआरसी के रिजल्ट देखने की जरूरत है। 19 लाख लोग फाइनल लिस्ट से बाहर थे, 19 में 13 लाख लोग गैर मुस्लिम भारतीय हैं, उसमें मेजॉरिटी भारतीय हैं, जिनकी नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि किसी क्लर्क ने गलती की थी। हम सबके नाम, वोटर लिस्ट, आधार से लेकर पैन कार्ड, कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं जो सरकार ने की हैं। हमारे पिता की जन्म की तारीख कुछ और लिखी है, हमारी तारीख कहीं कुछ और लिखी है, कहीं कुछ और लिखी है। मेरे अपने पासपोर्ट में 9th जून मेरी ऑफिशियल डेट है, लिखने वाले ने 9th जैन लिख दिया था। तो क्या ये सब लोग एनआरसी के चपेटे में आएंगे या नहीं आएंगे, जिस तरह आसाम में आए? और अगर फॉरनर ट्रिब्यूनल, जहां पर एक क्लर्क 4 दिन की ट्रेनिंग लेकर के, फॉरनर ट्रिब्यूनल में जो लोग बैठे हैं आपकी जांच करने के लिए, 4 दिन की ट्रेनिंग दी गई उनको आसाम में, वो बैठ करके तय करेगा कि मेरे कागज सही है या नहीं है। जिनके माँ बाप भारतीय पाए गए, ऐसे लोग डिटेंशन सेंटर में मर गए। अभी एक लड़का मरा है, हिंदू ट्राइबल, वो 71 से उसके पिता यहाँ है, वो मर गया डिटेंशन सेंटर में। और जो सीधी बात है, देश में मेजॉरिटी कौन है? गैर मुस्लिम। कोई भी कानून बनेगा पूरे देश के लिए, अगर ईमानदारी से लागू किया गया, उस कानून का सबसे ज्यादा फायदा या नुकसान किसको होगा? मेजॉरिटी को। कॉमन सेंस की बात है। तो जो मेजॉरिटी गैर मुस्लिम एनआरसी से बाहर पाए जाएंगे, और फॉरनर ट्रिब्यूनल भी कह देगा उनको कि सब आपके कागज समझ नहीं आ रहे, आप तो फॉरनर है, तो वो खुश ना हो ये सोच करके कि अरे नहीं, हम तो गैर मुस्लिम, इसलिए हमें नागरिकता मिल जाएगी। भाई साहब, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप, या मानना पड़ेगा कि आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से हैं, क्योंकि नागरिकता वहीं के गैर हिंदुओं को मिल, गैर मुसलमानों को मिल रही है मेरे भाई। बिल्कुल। और नागरिकता उस दिन मिलेगी जब आप अप्लाई करेंगे, उससे पहले के आपके इतिहास का क्या होगा? आपका बैंक बैलेंस, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी नौकरी, आपकी शादी, आपके बच्चों की नागरिकता क्या होगा उसका? सरकार के पास सब जवाब है इस केओस के? कुछ मालूम भी है सरकार को कि किस गर्त में धकेल रहे हैं देश को? इकोनॉमी का पता नहीं, रोजगार का पता नहीं, लेकिन इन्हें अपना वोट बैंक बनाना।